सो आई गेस 30 या फिर 35 या फिर उससे भी ज़्यादा यार, आई डोंट नो, बिल्कुल मुझे नहीं पता कहाँ था मैं इतने दिनों तक। एक ऐसे समय पे तुम लोगों को बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया था, जिस समय यार तुम लोगों को मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। तो यार वो कौन सा गुमनामी का दुनिया था जिसमें मैं इतने दिनों से जी रहा था? तो इन सारे सवालों का मेरे पास बस एक ही जवाब है, अभी तो मेरी गांठ टूटी पड़ी है भाड़ की लौड़ी। अब देखो यार, जिस तरीके से तुम लोगों का एग्जाम चल रहा था उस तरीके से बिल्कुल मेरा भी एग्जाम चल रहा था। बस डिफरेंस इतना है कि तुम लोगों का स्कूल लेवल पे चल रहा था और मेरा यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। बट फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, दैट्स इट, आई एम बैक यार। अब यार कुछ धमाल मचाएंगे, ठीक है, पूरे जोर शोर से करेंगे टर्म टू का तैयारी। एक मिनट रुको यार, इस वीडियो में तुम लोग ये सब सुनने के लिए नहीं आए हो। बिल्कुल सही, थंबनेल देख के तुम समझ गए होगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। अब देखो यार, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था उन्हें पूरा सीन पता है, बट यार जो नहीं जानते तुम लोग यार सुन लो। तो होता कुछ ऐसा है, आई गेस 5 to 6 मंथ एगो लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं यार बिंदास तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था, तो उसी वक्त मेरा जो पीसी है वो मुझे दे रहा है धोखा। और भाई साहब बहुत दुख हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ। एक ऐसा समय जब लॉकडाउन चल रहा था, मतलब समझ रहे हो ना कैसा सिचुएशन होता होगा, और जब लॉकडाउन खुला फिर से तब मैं पीसी को ले गया रिपेयर कराने, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। तो फिर मैं बस ऐसे ही जुगाड़ उगाड़ लगा के तुम लोगों के लिए जितना हो सके वीडियोस डाल रहा था, बट फाइनली यार सबर का फल मीठा होता है, बस अभी तक सुना था, आज देख भी लिया यार। अब देखो ये है तुम लोगों के सामने वो चीज़ जिसके लिए मैंने लगभग 5 मंथ्स इंतज़ार किया। और सबसे खास बात क्या पता है, इसमें यार मैंने अपना YouTube से कमाया हुआ कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया है। पहले यार थोड़ा यार नज़र मार लो इसके ऊपर, थोड़ा सिनेमेटिक शॉर्ट्स बनाया है यार, कैसा है नहीं ये बताना कमेंट्स में, देख लो पहले इसे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो यार तुम लोगों को कैसा लगा? सही लगा होगा यार। तो पता है तुम्हें इसका प्राइस कितना है? लिटरली भाई 1 लाख, 1 लाख, बताना मत किसी को भोजरी वालों। हाँ यार मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना ही इसका प्राइस। अब तुम लोग में से कई के दिमाग में ये बात आ रहा होगा, क्या यार बीबी तुमने यार बैंक में डकैती तो नहीं कर दी, या फिर अपने मम्मी के पर्स से, एटीएम से, यू नो व्हाट, क्या बोलना चाहता हूँ मैं तुम्हें पता है। क्योंकि यार ऑब्वियस सा बात है, तुम लोगों को पता है इतना रुपया तो यूट्यूब से मुझे मिला नहीं होगा, तो क्या लगता है तुम्हें? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, देखो सीन क्या है मैं बताता हूँ। अभी तक मुझे यूट्यूब से ना 2 बार पेमेंट रिसीव हुआ है, तो जो पहला पेमेंट था वो आई गेस 7000 के आसपास था, तो मैंने उस पैसे का किया क्या पता है, वो जो 2 महीने पैसा डबल होने वाला स्कीम होता है ना, सही में बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक पावर बैंक नाम का एक कुछ ऐप था वहाँ, मतलब पैसा डालने से अच्छा खासा डबल हो रहा था, तो मैंने डाल दिया। मैंने सोचा चलो 7000 तो 14000 में कन्वर्ट हो जाएगा, सही तो है, बस 1 मंथ आई गेस इतना ही था टाइम पीरियड, तो मैंने डाल दिया और भाई स्कैम हो गया मेरे साथ गंदा स्कैम हुआ सही में। तो इसी तरीके से मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट को वेस्ट कर दिया। क्या कहूँ यार, होता है। बट उसके बाद सीखने मिलता है यार ये सबसे, मतलब ठीक है
चूतिया हूँ मैं, मानता हूँ, बट यार सीखने मिलता है बहुत चीज़ें इससे, ठीक है, मिलता है भाई, कुछ कुछ होता है, अब मैं बता नहीं सकता यार, बट ठीक है। उसके बाद सेकेंड पेमेंट मुझे रिसीव होता है 15,000, तो लैपटॉप का तो यार 1 लाख है, तो 15,000 मैंने यूट्यूब के अर्निंग से लगाया, और बाकी मेरे पास ना कुछ सेविंग्स था जो कि आई गेस 35,000 था। अब ये मैंने किस लिए सेव किया था पता है तुम्हें? तुम लोगों को पता है यार, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे दुनिया घूमना है, एक्सप्लोर करना है, लिटरली ये मेरे एक लाइफ का एक पार्ट है, और मतलब तुम कह सकते हो गोल है, सपना है, ठीक है, पूरा करना है, ऑब्वियस सब बात है, बट थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस है। पहले यार सोचा मैंने, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ये कर लेता हूँ, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने प्लानिंग को कैंसिल कर दिया है, बस थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे यार ज़रूरत था, बहुत ज़रूरी था, समझते हो यार, मिडिल क्लास फैमिली यार, पैसे वैसे का प्रॉब्लम रहता है, और बाकी के जितने भी 50,000 रुपीज़ था वो मुझे मिलता है मेरे मम्मी से, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया है मैंने, ठीक है, मैंने कहा मम्मी को, मम्मी मुझे जितना यूट्यूब से अर्निंग होगा आपका पैसा मैं पाई पाई चुकता कर दूंगा। अब भाई देखो कितना प्रेशर में हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, सपोर्ट भाई बहुत ज़ोर से करना, 50,000 का कर्जा लेके रखा हुआ है तेरा भाई, समझ रहे हो ना बात, वरना यार घर से निकाल दिया जाऊँगा और जायदाद से भी बेदखल, फिर तो यार भाई तुम्हारा रास्ते पे आ जाएगा, क्या बताया। तो फिर यार कहानी कुछ इस तरीके से ही था, बस फाइनली लैपटॉप आ चुका है। और यार देखो एक चीज़, अगर तुम इसके बारे में कुछ फीचर जानना है, क्या है नहीं है, और मैंने इसे कैसे बाय किया, क्योंकि सबसे खास चीज़ क्या है पता है, मैंने इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन बाय किया फ्लिपकार्ट से। अब देखो जब कोई सामान हम ऑनलाइन से बाय कर रहे होते हैं, वो भी इतना एक्सपेंसिव सामान, लिटरली 1 लाख का, तब यार बहुत ज़्यादा चीज़ होता है जो हमारे दिमाग में रखना चाहिए हमें, जिससे कि हम कोई मिस्टेक ना करें, और अगर मिस्टेक हो भी जाए तो उसे हम रिकवर कर पाए अपना मनी। तो यार ऐसी चीज़ अगर जानने में तुम इंटरेस्टेड हो तो यार मैंने अपना एक सेकेंड चैनल बनाया है, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक, तो एक बार यार उधर भी नज़र मारना। अब इस चैनल को तुम कह सकते हो एक तरीके का गेमिंग चैनल है, हाँ यार जो बड़ा इंतज़ार था, लिटरली मेरा कंप्यूटर खराब होने के बाद बहुत दिन से मैंने गेम नहीं खेला, तो भाई अब दबा के खेलेंगे, ठीक है, तो खेलेंगे दो भाई मिल के, और इस चैनल पे अपलोड भी क्या करूँगा। तो यार सपोर्ट करना यार, तुम लोग पता है सपोर्ट खरीदोगे तुम लोग भाई को, कर लोगे, सही है। और इस लैपटॉप के कोई भी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना हो कुछ भी, तो तुम यार देख लेना उस चैनल पे जाके, ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही था, और कुछ तो था नहीं। अब यार आखिर में बस इतना ही कहना है तुम लोगों से, तैयार हो जाओ, टर्म टू का तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करूँगा, और इस बार यार सिर्फ SST नहीं यार, साइंस भी, कोशिश यही रहेगा कि पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। बस तुम लोग यार क्या करना, बीच बीच में मोटिवेट करते रहना यार, तुम्हारा भाई थोड़ा सुस्ती टाइप का बच्चा है पता है तुम लोगों को, तो यार थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ना अपने को, तो यार काम करने में मज़ा आता है, वरना यार 2-3 वीडियो बनाता और फिर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता ना, तो समझ ही रहे हो तुम लोग। तो ठीक है यार, करते अपना कार्यक्रम ख़त्म, और तुम लोगों को क्या यार क्या पसंद आया होगा, कुछ भी पसंद नहीं आया होगा, बकवास, अब मतलब पता नहीं मैंने इस वीडियो को क्यों बनाया, बस बहुत ज़्यादा चीज़ था बोलने के लिए, बस तुम लोगों के सामने बोल दिया, अब क्या बोला कैसे बोला पता नहीं, बस बोल दिया। फिर भी अगर तुम लोगों को पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हो यार, और क्या कमेंट भी कर सकते हो, और आखिर में जो मैं हमेशा कहता हूँ, थैंक यू, लव यू ऑल।